हेलो एवरीबॉडी, एचएसएससी भर्ती पूरी हो रही है। बड़ी भर्ती है वर्सेस बेरोज़गारी है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को परेशान करने वाली खबर आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, देख लेते हैं एचएसएससी की कौन सी भर्ती पूरी हो रही है। और मैं आपको सीधा सीधा ये चीज़ बता देता हूँ कि इस भर्ती को एचएसएससी पूरा नहीं कर रखा है। हालांकि इस भर्ती के एचएसएससी ने फॉर्म या आवेदन आपसे भरवा रखे हैं, लेकिन इसको पूरी कोई और कर रहा है और बेरोज़गार युवाओं के साथ कहीं ना कहीं फिर से धोखा हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा सवाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं करना चाहूँगा कि आपने ग्राम सचिव का फॉर्म अप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा है। एक बार आप वीडियो यहीं पर रोक कर कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट कर दिया होगा। तो दोस्तों, जिन जिन बच्चों ने कमेंट कर दिया है, वास्तव में वे कहीं ना कहीं उन्हें जॉब की लालसा है, इच्छा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं, क्योंकि कुछ समय और या कुछ समय बोलूँ या फिर एक लंबा समय आपको अब लग सकता है आपकी भर्ती पूरा होने के लिए। रीज़न क्या है वो देखिए दोस्तों। ये एक नोटिस है जो कि डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से सभी डिपार्टमेंट के हेड है, जितने भी डिपार्टमेंट हरियाणा में, उनके डिपार्टमेंटों के पास ही भेजा गया है। 14/9/2020 का ये नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 14/9/2020 का। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ग्राम सचिव के दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं, ग्राम सचिव ऑन डेपोटेशन, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस दे रखा है अप्लाई करने का आपको, कि ग्राम सचिव के लिए कैसे आप अप्लाई करोगे। और यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपका ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो भी आपसे ऑप्शन मांग रहा है। और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का ऑप्शन है दोस्तों, जो आपसे पूछ रहा है कि आप करंटली किस डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, ठीक है। दोस्तों, ग्राम सचिव के फॉर्म निकले हुए हैं। तो दोस्तों, मैं दोबारा से नोटिफिकेशन में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट टू फिल अप द पोस्ट ऑफ ग्राम सचिव ऑन डेपोटेशन बेसिस फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। दोस्तों, ग्राम सचिव की भर्ती निकाल दी गई है डेपोटेशन बेस पे, और जो अदर डिपार्टमेंट में इसी लेवल पर कोई काम कर रहा है या दूसरा कोई लेवल है डी वाला, जो ग्राम सचिव की पोस्ट है वो ग्रेड सी की पोस्ट है, इसमें अप्लाई डी वाला भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, 769 पोस्ट है, 769 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। और ये इसलिए निकाली गई है क्योंकि इनकी नॉलेज में आज आया है कि बहुत सारे ब्लॉक में ग्राम सचिव अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में 2 साल के लिए भर्ती करने का जो निश्चय है वो लिया है, निर्णय लिया है, और या फिर जब तक एचएसएससी इनको कोई परमानेंट ग्राम सचिव अपॉइंटमेंट ना कर दे, तब तक ये ग्राम सचिव की भर्ती यहाँ पे की जा रही है डेपुटेशन बेस पे, ठीक है। दोस्तों, जो आपकी भर्ती होनी थी, पहली बात तो ये कि आपके लिए वैकेंसी पड़ी है, आपके फॉर्म आप सरकार ने मांग रखे हैं, सरकार यहाँ पे आपकी वैकेंसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बजाय यहाँ पे किसी और तरीके से आपकी भर्ती को कम्प्लीट किया जा रहा है, लेकिन उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। केवल ये डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें लोग, जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, केवल वे ही काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी खाली भी है, वैकेंट पड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट का पता नहीं क्या सोच रही है बेरोज़गारों के बारे में। रोज़गार एक इन्होंने देना है या नहीं देना है पता नहीं, ये युवाओं के साथ कैसा मजाक कर रही है। और दोस्तों, ये जब तक होता रहेगा, जब तक आप सहते रहोगे, आप सरकार को बोलिए ना कि हमें रोज़गार की ज़रूरत है, क्योंकि आप बेरोज़गार हो और जब तक आप रोज़गार मांगोगे नहीं, सरकार देगी कैसे?
आप डिमांड कीजिए कि सरकार को आप बताइए तो सही कि ये रोज़गार की ज़रूरत है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, कितना तनाव बढ़ रहा है हर रोज़। दोस्तों मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि ये भर्ती इस तरीके से की जा रही है, और जिन युवाओं ने इतना लंबा इंतज़ार किया है 2007 या 2011 की भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, सीट वैकेंट होने के बावजूद भी। तो दोस्तों यही एक चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। यहाँ पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, ठीक है। इस नोटिस का लिंक मैं आपको KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में HSSC की जो PDF होती है वहाँ पर मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो भी राय हो आपकी, वो आप कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद आप सभी का।